द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा। मथुरा और वृंदावन का नाम लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की छवि हमारी आंखों के सामने आती है। और आज हम मथुरा के ही एक मंदिर श्री द्वारिकाधीश मंदिर की दर्शन यात्रा का आनंद लेंगे, पर सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी मथुरा के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। तो बात करते हैं मथुरा के इतिहास के बारे में। यदुवंश में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा का वर्णन रामायण काल यानी त्रेता युग से ही मिलता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस को खत्म करके यहाँ की भूमि का दावा किया था। तब यह जंगली स्थान मधुवन के नाम से जाना जाता था। बाद में क्षेत्र को मधुपुरा और उसके बाद इसे मथुरा के नाम से जाना जाने लगा। भारत की प्रमुख नदियों में से एक मथुरा की प्रसिद्ध यमुना नदी के विश्राम घाट के निकट ही अस्कुंडा घाट के पास है श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर। राजाधिराज बाजार की पुरानी इमारतों के बीच बना यह मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी, कलाकारी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि ग्वालियर रियासत के खजांची सेठ गोकुल दास पारीख जी ने सन 1814 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। समतल छत वाला यह दो मंजिला मंदिर पूर्व मुखी है, जहां एक बड़े से आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण करवाया गया है। चटक सुर्ख रंगों के इस्तेमाल से सजे हुए खम्भों की सहायता से एक बहुत ही विशाल और भव्य मंडप तैयार किया गया है। विशाल प्रांगण, मेहराबदार दरवाजों, जालियों और कलात्मक खम्भों को निहारने के बाद आपकी नजर श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए ललायत होने लगती है। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के गर्भगृह के निकट दोनों ओर कतार में खड़े श्रद्धालु अपने इष्ट आराध्य की एक झलक पाते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने मन में ईश्वर की छवि में उस रूप को हमेशा हमेशा के लिए बसा लेते हैं। सांस्कृतिक वैभव एवं अनुपम कला के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन का आनंद और प्रदक्षिणा पथ की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम अपनी नजरों को दोबारा इन सभी सुंदर दृश्यों पर डालते हैं और अपनी यादों के पिटारों में इन तस्वीरों को हमेशा के लिए जमा कर लेते हैं। मंदिर से बाहर आते ही राजाधिराज बाजार की व्यस्त गलियों में, जहां आज भी आप द्वापर युग की कल्पना वाले संसार को खोजते और ढूंढते दिखाई देंगे। बाहरी संसार की आधुनिकता से थोड़ा तर होने के बाद भी इन गलियों, दुकानों और यहाँ के लोगों में मथुरा की ठेठ झलक देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों के बीच राधे राधे की गूंज का जाप समय समय पर होता जाता है। यहाँ के स्थानीय जायकों का मजा और सुंदर इमारतों को देखते देखते हम दोबारा यमुना जी के घाट की तरफ चल दिए। यहाँ से यमुना जी की नाव की सवारी का आनंद एक अलग ही अनुभव था। यमुना जी के जल को छूकर मन रोमांचित सा हो गया और मन में ये ख्याल आया कि कभी सी नदी में इस जगत के स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी लीलाएं दिखाई होंगी। मन में आध्यात्मिक संतोष और उत्साह को साथ लेकर मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल गया। श्री द्वारिकाधीश जी की दर्शन यात्रा का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही दर्शन यात्रा को आनंद लेने के लिए द बंजारा मैन को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Instagram पर भी आप मुझे द बंजारा मैन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी एक नई जगह और एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द बंजारा मैन। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।